हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टॉपिक नेगेशन। बेटा हम इस वीडियो में नेगेशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कंडीशनल के साथ इसे यूज करना सीखेंगे। और बेटा प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखो बेटा नेगेशन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बेटा टॉपिक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इफ पी इज द स्टेटमेंट देन नेगेशन ऑफ पी इज ऑल्सो स्टेटमेंट एंड बेटा नेगेशन ऑफ पी मीन्स नॉट पी, और बेटा इसे हम नेगेशन ऑफ पी भी लिख सकते हैं। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस को विद सेट्स के अकॉर्डिंग भी बेटा सॉल्व करना सिखाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बेटा नेगेशन ऑफ पी, बेटा अगर आपको किसी भी टर्म में नेगेशन यूज करना है मींस उसमें नॉट वर्ड अप्लाई कर सकते हैं। एंड बेटा एक और टर्म मैंने डिस्कस की थी, क्या अगर पी एंड क्यू है, बेटा पी एंड क्यू है, अगर आप नेगेशन अप्लाई करोगे देन बेटा दिस टर्म और अगर बेटा और है देन एंड बन जाएगा, और है बेटा ये टर्म एंड बन जाएगी, और बेटा अगर एंड गिवन है देन वो बेटा चेंज हो जाएगा और टर्म के अंदर। बेटा यहां पे और गिवन है हमने कन्वर्ट किया एंड में, अगर बेटा एंड गिवन आएगा और में कन्वर्ट, मतलब अगर एंड गिवन आएगा और में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स कंजंक्शन डिसजंक्शन में चेंज हो जाएगा। बेटा क्लियर है? बेटा नाउ नेगेशन मीन्स Not reply करोगे, but with conditional, बेटा conditional क्या थी? मैंने last classes में conditional भी discuss किया, video आप check कर सकते हो, conditional में मैंने truth table बेटा आपको बनाना सिखाया। बेटा अगर हम condition use करेंगे, अगर if then का condition आ जाए, बेटा अगर first condition if है, second condition then है, बेटा it means if first term is P, then second term is Q। अगर बेटा ये हमारे पास condition है, symbol हम बेटा इस तरह भी use कर सकते हैं, double arrows के साथ। P then Q, if P then Q, if P then Q बेटा यूज करना है। और बेटा इस टर्म को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P, डिसजंक्शन Q, मतलब और Q। बेटा इस स्टेप को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, बेटा दोनों टर्म्स का सेम मतलब है। इफ P then Q means नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q, बेटा इसे आप लिख पाओगे कंडीशनल टर्म में। देखो बेटा किस तरह हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, बेटा जे मेन का क्वेश्चन है पास्ट ईयर, देखना बेटा। द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल, देन आई विल, इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल, बेटा कंडीशन है इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन। बेटा इसमें डायरेक्टली आप नॉट नहीं अप्लाई करोगे, डायरेक्टली नॉट नहीं अप्लाई करोगे बेटा, क्योंकि इफ एंड देन के ऊपर बेटा बेस्ड क्वेश्चन है, If and then के ऊपर बेटा बेस्ड क्वेश्चन है। देखो बेटा means, अगर बेटा मैं P assume करूं first term, if I become a teacher, I become a teacher बेटा इसे मैं आप P assume कर रहे हो, if I become a teacher इसे आप P use करो बेटा, and Q use करो बेटा, I will open school, open a school। बेटा जो given term है, actually जो given term है बेटा, given term है P then Q, if P then Q, ये मतलब हुआ ना बेटा कंडीशनल, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। बेटा आप इस टर्म को कुछ इस तरह लिख पाओगे, जो गिवन एक्सप्रेशन है बेटा मैंने जैसे सिखाया आपको, पी और क्यू लिख पाओगे बेटा। दिस सिंबल इज रिटन एज लाइक दिस अकॉर्डिंग टू कंडीशनल टर्म, नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू। बेटा इस पूरी टर्म के ऊपर गिवन कंडीशन है नॉट पी और क्यू, बेटा इस पूरी टर्म के ऊपर आप नेगेशन यूज करो, नेगेशन बेटा आप इसके ऊपर नेगेशन यूज करोगे, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। बेटा इसे आप लिख पाओगे पी और है बेटा एंड नेगेशन ऑफ क्यू। पी मींस देखो बेटा आप स्टेटमेंट क्या बनेगी, पी इफ आई बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, इफ आई बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, मींस ऑप्शन सी बेटा आपका फाइनल आंसर है। If I become a P means if I become a teacher and I will not open a school, negation of Q means I will not open a school, means option C beta aapka final answer hoga, clear hai? Dekho beta next question, same based on negation and conditional term, beta isi session mein aaya hai 21 mein, beta question mein aaya, dekho beta question hai, consider the statement the match will be played only if The match will be played only if the weather is good and the ground is not well. देखो बेटा कंडीशन क्या है, इसमें दो टर्म्स हैं। The match will be played, बेटा मैं इसे P assume कर रहा हूं, The match will be played, P.
ओनली इफ, बेटा ओनली इफ, इफ दिस टर्म है, द वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज नॉट वेल, बेटा इसे हम क्यों ज्यूम करें, बेटा सेकेंड टर्म को क्यों ज्यूम करो, फर्स्ट टर्म पी है बेटा, गिवन है पी, पी मीन्स मैच विल बी गुड, इफ मैच विल बी गुड देन देन सॉरी 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 उल्टा हो जाएगा बेटा, कम सॉरी, इफ द वेदर इज गुड, इफ द वेदर इज गुड एंड द ग्राउंड इज नॉट वेल, बेटा वेदर गुड है एंड ग्राउंड नहीं है देन मैच को हम प्ले नहीं करेंगे, मतलब पी देन क्यू बेटा टर्म बन जाएगा, देखो बेटा इस टर्म को आप लिख सकते हो नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू, क्लियर है बेटा, फर्स्ट टर्म को मैंने पी ज्यूम किया, सेकंड टर्म को क्यू, देखो बेटा नाउ इस एक्सप्रेशन में बेटा अगर आप नगेशन वर्ड यूज करोगे बेटा, क्योंकि हमें तो नगेशन करना है, नगेशन ऑफ पी और क्यू बेटा, इसे आप लिख पाओगे पी एंड नॉट क्यू, बेटा रीड करो इसे अब आप, द मैच विल बी प्लेड एंड वेदर इज नॉट, बेटा देखो फर्स्ट टर्म तो है मैच विल बी प्लेड पी, इंटरसेक्शन मतलब एंड, सेकंड में बेटा नॉट लगा दोगे, वेदर इज नॉट गुड नो और बेटा इसमें चेंज हो जाएगा, चेक करो बेटा, सेकंड बेटा पी मींस द मैच विल बी प्लेड, मैच विल बी प्लेड बेटा एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन में ही है, द मैच विल बी प्लेड एंड एंड इसमें बेटा नॉट अप्लाई करोगे, वेदर इज नॉट गुड, वेदर इज नॉट गुड बेटा इसमें आ रहा है एंड है देन चेंज हो जाएगा और ग्राउंड इज वेट, ग्राउंड इज वेट गिवन है, ग्राउंड इज नॉट वेट देन बेटा दिस टाइम इज ग्राउंड इज वेट मीन्स बेटा ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर, क्लियर है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट।